तो वो है हमारे पहलवान साहब जो पेड़ को साइड कर रहे हैं, रास्ता बना रहे हैं। सांप होगा इसमें। और ये छोटी पहाड़ी से नीचे है खाई। Yo, what is up, guys? You're Karan this side, and you guys are watching a new vlog on my YouTube channel. So welcome back. आइए देखते हैं मजा आएगा। I know अब vlog काफी time से आने लग गए। अब मैं YouTube के प्रति थोड़ा जो भी बोलते हैं वो हो चुका हूँ। मैं नहीं मानता। और इतने time बाद आज मैं फिर से हूँ देवभूमि उत्तराखंड में। जितने भी ज़्यादातर मेरे vlogs तुम लोगों ने देखे होंगे यहीं के ही हैं। मैं उत्तराखंड से belong करता हूँ तो यहाँ बहुत आता रहता हूँ, इसलिए यहीं के vlogs तुम्हें ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। तो सीन यहाँ सुबह से बारिश हो रही है, अभी 9 बज रहे हैं। तो गांव का नाम मैं तुम्हें बता देता हूँ। मेन जगह का नाम उत्तराखंड है, जिला बागेश्वर पड़ता है और गांव का नाम प्रॉपर असो पड़ता है। चल 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 चल, गाड़ी स्टार्ट कर। वैसे उत्तराखंड के काफ़ी सारे गांव में हर घर में नल आ चुका है, लेकिन इस जगह पे अभी नल नहीं आए। तो यहाँ के अगर प्रधान जी सुन रहे हो तो नल ला दो यार, काफ़ी दिक्कतें हो रही है। और यहाँ पर बारिश हुई है तो बच्चों ने व्लॉग बनाने देना ही नहीं है बिल्कुल ही। मैं दिखाता हूँ क्या कर रहे हैं। ये देखो यहाँ पर पानी भरा है, तो ये पता नहीं इनको क्या ही सुख मिल रहा होगा ये सब करके। अपनी अपनी चप्पलों से लगे पड़े हैं। ओए अभिषेक, हेलो कर। मैं तुम्हें व्यू दिखाता जो कि यहाँ से बहुत ही ज़्यादा मस्त है, लेकिन अभी बारिश लगी हुई है इतनी ज़्यादा तो पहाड़ उधर दिख नहीं रहे, लेकिन हल्के फुल्के बादल लगे हुए हैं। मैं तुम्हें वो दिखाता हूँ, बाकी बाद में बहुत ही अच्छे तरीके से व्यू दिखाऊंगा। बहुत सारे पहाड़ दिखते हैं, उधर भी बहुत सारे पहाड़ दिखते हैं, पर अभी बादल लगने की वजह से वो कुछ भी दिख नहीं रहा है। अभी मुझे वहाँ उतर के बिल्कुल नीचे नहाने जाना है, फिर वहाँ से थोड़ा सा पानी भी लेके आना है क्योंकि यहाँ पे पानी की ज़रूरत होती है। चलते हैं, तो मैं लेके चलता हूँ और उत्तराखंड के गांव का जो लाइफस्टाइल है वो दिखाता हूँ कि कैसे कैसे जाना पड़ता है, कितनी मेहनत है यहाँ पे, कितना दूर जाना पड़ता है। शहर जैसा कुछ भी नहीं है। तो काफ़ी लोग देखते होंगे कि करण 09 ठीक है, अब मस्त ज़िंदगी जी रहे। अभी दिखाता हूँ कि यहाँ पे कैसी हालत ख़राब होती है। तो निकल चुके हैं हम अपने घर से पानी भरने के लिए और अभी हमें काफ़ी नीचे उतर के जाना है। और ये आ गए हमारे गाइड साहब, जिनसे खुद भी नहीं चला जा रहा है। और ये है यहाँ के घरों के आंगन जो कि बारिश की वजह से काफी फिसलन वाले हो रखे हैं। क्या बात कर रहे हैं रे बाबा? ओ नोनो, नहाना भी है ना मेरे को। तो इसी के साथ गले में तौलिया डालकर और इन बर्तनों को खनखनाते हुए हम पहुँच गए हैं अभिषेक के घर के बाहर। उनको दिखाओ, नमस्ते बोलो, व्लॉग बन रहा है। शर्म आ गई। हेलो बोलो, वीडियो बन रही है। हेलो, ये है हमारे गांव के प्यारे लोग। तो ये थे हमारे गांव के प्यारे लोग, सब रिलेटिव में ही थे, ताई जी, भाभी और भी बहुत लोग और उनके बच्चे लोग। तो वो है हमारे पहलवान साहब जो पेड़ को साइड कर रहे हैं, रास्ता बना रहे हैं। और ये इधर हम चल रहे हैं। मुझे तो पता ही नहीं था। खतरनाक रास्ता ये है, सारी बिच्छू घास। ये है ऊपर का सारा व्यू। जितना सुंदर है उतना ही ज्यादा मुश्किल भी है। इधर बहुत ज्यादा ठंड हो रही है, पता नहीं कैसे ही नहाएंगे हम। वो ठंड इतनी है कि गांव का कोई भी आया ही नहीं है नहाने, पर खाली पड़ा पूरा। तो ये वही जगह है जहाँ पे मैं पानी भरने आना था और यहीं से हमारा पूरा गांव पानी भरता है। इधर दो जगह पानी आता है, एक यहाँ से और एक वो आगे से। इधर फिसलन है, आराम से आना। ले फिसली ये जो रास्ता आ रहा है वहां से हम चल के आए हैं यहाँ पे, और यार इधर शुद्ध पानी पहाड़ों का। ठंड बहुत ज्यादा हो रही है तो मैं सर नहीं धोने वाला क्योंकि मैंने कल भी ऐसे सर धोया ही था। और अब तो मैं एक बहुत ही खतरनाक बात बताता हूँ, मैं भयंकर अपना इंटरव्यू लाना भूल गया। अब कैसे नहाऊंगा भयंकर, ये ब्लॉक के चक्कर में जल्दबाजी में निकलना था वहाँ से, उसी को नहा के उसी को निचोड़ के पहनना पड़ेगा, जाके सही वाला पहनना पड़ेगा। बहुत बड़ी गलती है। तो ये है यहाँ का बहुत ही प्रसिद्ध बर्तन जिसको गागर बोलते हैं, और इसी में मुझे अभी पानी लेकर जाना है। वहाँ तो भयंकर बारिश की वजह से फुल जंगल वाली फील आ रही है, जंगल में आ गया मैं। और यहीं पे एक पेड़ है जिसमें आड़ू उगे हुए हैं फ्री के। तो
तो हमने नहा लिया है और अब हल्की हल्की धूप भी निकलनी शुरू हो चुकी है। अब गागर और भरनी है, फिर उसको कंधे पे रख के लेके जाना है। चप्पल भी मैं फुल फिसलने वाली पहन के आ गया गलती से। ये वाला बर्तन फिर भी हल्का है और ये थोड़ा नीचे से गोल है तो कंधे पे आसानी से बैठ जा रहा है। कल मैं एक कैन लेके आया था वाइट कलर की, वो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। वो बहुत ही ज्यादा भारी भी थी, बड़ी भी थी, भारी भी थी और उसका एज इतना लग रहा था ना कंधे पे, बहुत ही ज्यादा। देखो इधर से जो है हमें जाना पूरे रास्ते में। अरे यार ये गलती से मैं चप्पल भी ये वाली पहन के आ गया ना, ये पक्का कहीं में। अब यहाँ से चढ़ना शुरू हो रही बिच्छू घास। शिशोण गांव में से शिशोण कहते हैं। अभी थोड़ी देर में बहुत अच्छे से दिखाऊंगा कौन सा पौधा है। एक कैक्टस होता है जिसको छू के वो चुभ जाता है और एक ये शिशोण होता है जिसको छुओ चुभता तो है ही, साथ में इसमें एक हल्का सा जहर टाइप का कुछ होता है जिससे बहुत ज्यादा जलन वगैरह होती है और हालत खराब है। तो अभी इस खतरनाक रास्ते से जाना है। ये रास्ता ऐसा इतना सा रास्ता और नीचे सीधा डाउन। नहाकर आए और हम बैठ गए अपने घर की पूजा में जिसके लिए हम सब यहाँ पर आए थे, और जितने भी पहाड़ी लोग देख रहे हैं उन सबको तो पता ही होगा इस पूजा के बारे में। A few moments later, तो पूजा पाठ का जितना भी कार्य था वो संपन्न हो चुका है। मेरे माथे पे तिलक और भभूति तुमको दिख ही रही होगी। टाइम हो रहा है, 1 बज चुका है। टाइम हो रहा है। मैंने आप लोगों को इससे नहीं मिलवाया, ये है मेरा, हाँ ये है यहाँ पर मेरा गाइड। वैसे मैं इसका चाचा लगता हूँ। इसका नाम है, क्या नाम है भाई तेरा? अभिषेक बच्चन वाला नहीं। तो चलो ठीक है। और ये इतने प्यारे प्यारे फूल लगे इधर, ये सब आपके लिए। ये बात बताने से पहले मैं तुम्हें इतनी देर से बिच्छू घास शिशोण कह रहा हूँ, मैं दिखाता हूँ वो होता क्या है। तो ये है उत्तराखंड और शायद हिमाचल में भी प्रसिद्ध घास या पौधा जिसे बिच्छू घास कहते हैं। इसमें छोटे छोटे तुम्हें कांटे दिख रहे होंगे, ये लग रहे हैं। तो ये चुभते हैं तो बहुत ही ज्यादा दर्द होता है, काफी देर तक ये जलन मारता रहता है या फिर बहुत ही अजीब हालत हो जाती है। और अभी मेरे पैर में लगा है भाई साहब, पैर झन्ना ही रहता है और थोड़ा सा छोटा सा दाना भी निकल गया इसमें। ये अभी मैं ऊपर आ गया इस वाले रास्ते से हमारे थे और देख रहे हर जगह ये पूरे यही फैला हुआ है। ये है यहाँ का व्यू, एक छोटे पहाड़ कुछ इधर है और एक बड़ा सा पहाड़ इधर है। शाम को हमने डिसाइड करा है हम इन पे जाएंगे और हो सका पॉसिबल हुआ या फिर हमारी बस की हुई तो हम इस वाले पे भी जाएंगे। और ये है यहाँ के खेत, जाम चलते चलते आ गए। और ये है यहाँ की जनता लोग। हेलो कर दो भाई सारे। इसी गाँव के हो तुम सब? क्या इस गाँव का नाम क्या है? असो। तो तुम्हारा नाम क्या है? अच्छा तुम्हारा क्या है? सुनील। और तुम्हारा क्या है भाई पीछे? दीपांशु। दीपांशु है इनका नाम। बाप रे कैसी जगह से लाए हो तुम इधर, ये सांप आपको डर नहीं है? देखना बिल कितने हो रहे हैं इधर। किसका बिल है ये? सांप होगा इसमें या फिर चूहे का है? अगर चूहे का है तो भी सांप हो ही सकता है, इतने सारे हैं। इधर भी है। तुम भाई मुझे गलत जगह ले आए हो। एक रास्ता इधर से भी है पर हम ज़्यादा ही खतरों के खिलाड़ी बनना चाहते हैं, तो हमें सब जाएंगे क्योंकि और ज़्यादा खतरनाक है। हेलो भाई साहब, पूरी मैन वर्सेस वाइल्ड वाली फील आई है। आ जाओ जैसे कैमरा पकड़ते हैं। और यहाँ से बहुत ही मस्त व्यू है। वैसे मेरा भी मन तुम्हें दिखाने का था नहीं शाम को ही था, पर अभी दिखा देता हूँ, ट्राई करूंगा शाम को बड़ी वाली पहाड़ी पर जाएं। जा पाते हैं वहाँ? वहाँ कहाँ से है रास्ता उधर को जाने का? अच्छा इधर से चलो शाम को जाएंगे फिर, ठीक है? भाई साहब मेरी हालत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई है। 1 हफ्ते पहले जहाँ मैं आया था इधर ना मस्त सही था मैं, मतलब स्किन टोन भी इतना अजीब सा हो गया, कमजोर भी बहुत हो गए हैं, जिम की इतनी ज़्यादा याद आ रही है हद से ज़्यादा। खैर तुम व्यू देखो जो कि इस टाइम मेरी आंखों के सामने।
जो दो छोटी पहाड़ियां दिखा रहे थे हम, छोटी वाली ये थी, उससे थोड़ी बड़ी वो थी, और जो सबसे बड़ी है जहाँ पर शाम को शायद हम जाएं वो है जहाँ पे फिल्मों की शूटिंग होती है, गाड़ी ले लेके कूदते हैं, ये वही जगह है। पर पानी की इतनी मस्त आवाज़ आ रही है, पता नहीं तुम लोगों को आ रही होगी कि नहीं, पर बहुत ही मस्त है। और वो उधर दूर कोई चलता हुआ बिल्कुल कहीं जा रहे हैं वो। फिर करी मैंने थोड़ी देर वीडियो में बैठने की एक्टिंग स्लो मोशन में, जो कि कूल लगे, और फिर फेंकवा इन बच्चों से पत्थर स्लो मोशन में ताकि और कूल लगे, जिससे प्रभावित होकर तुम लोग वीडियो को लाइक कर दो। वो उधर बादलों से कुछ गिर रहा है, और वो बारिश है या क्या है, इस तरीके की बारिश कैमरे में उतना सही से गिरता हुआ दिख नहीं रहा, लेकिन आंखों में बिल्कुल साफ कोई चीज है जो गिर रही है। बाकी यहाँ पर बाघ की कहानी भी बहुत फेमस है, वो मैं तुम्हें जब शाम को इधर आऊंगा तब बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा, क्योंकि तब हम बड़ी वाली पहाड़ी पर जाएंगे, वहां से सब दिखेगा और पूरा नीचे जो जंगल है वो भी दिखेगा, तब दिखाऊंगा और वो बाघ की पूरी कहानी बताऊंगा। अभी कल भी मैं यहीं था, नीचे पूरा जंगल है, यहीं कहीं होता है बाघ। चलो बच्चों बहुत मजे कर लिए, अब घर चलते हैं, खाना खाते हैं, थोड़ा अपना हुलिया ठीक करते हैं, तैयार होते हैं, और फिर आते हैं मौसम के मजे लेने, वीडियो बनाने, फोटोज क्लिक करने, और थोड़ी देर शांति से बैठने के लिए, क्योंकि एक या ज्यादा से ज्यादा दो दिन में मैं फिर से वापस चले जाऊंगा। मेरे पैर में जो अभी तक बिच्छू घास लगी थी वो अभी भी जलन कर रही है। इसमें ऐसा होता है कि आपका मन करेगा कि पानी से धो लेते हैं, है ना? फिर पानी से करने के बाद क्या होता है बताओ? चलो और लगता है जब नोजल लगाते हैं अभी, फिर और दर्द होता है, कॉल होगा कॉल ऐसे ही नोजल लगाता, ये भाई साहब हमारे नोजल लगाते हैं, अपने नाक ऐसे करके उस पे लगाते हैं, ठीक हो जाता है। तुम्हारी नोजी बिकेगी बहुत। अब यहीं से उतरना है, पूरे इस रास्ते से जाना है, ये रास्ता जाते 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 वहां, फिर उधर से ऐसे घूम रहा है, उधर पीछे हमारा घर है। क्या हवा चल रही है, मन नहीं कर रहा जाने का। और अब यहाँ पर टावर भी आ चुका है, वो है टावर जिससे नेट भी अभी इधर मस्त चलता है। तो अभिषेक बता रहा है कि शाहरुख खान का भी एक यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल उसके 80 लाख करोड़ डायमंड बटन है। 80 लाख करोड़ डायमंड बटन है, कौन है? मैंने कुछ फूल तोड़े हैं किसी स्पेशल इंसान के लिए, और अभिषेक ने भी तोड़े हैं किसी स्पेशल इंसान के लिए। रहा नहीं जाता, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों इस व्लॉग को पूरा देखने के लिए, और ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा था इसलिए मैंने इसको यहीं पे एंड कर दिया। आगे व्लॉग कंटिन्यू होगा पार्ट टू में, हाँ इस व्लॉग का पार्ट टू आएगा, जिसमें हम वो बड़ी वाली पहाड़ी पर गए थे और ऊपर जाकर मौसम बहुत ज्यादा खराब हो गया, तो बिल्कुल मैन वर्सेस वाइल्ड वाली वाइब आ रही थी। तो तब तक अगर ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कॉमेंट सब्सक्राइब कर देना, नहीं लगाओ तो मत कर, कोई बात नहीं, करके जाना, लाइक करना, कमेंट करके बताना कि आपको गांव कहाँ पे और कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हो, और सब्सक्राइब भी कर देना, बस ये तीन काम कर देना मेरे लिए। जो जो मेरे लिए तीन चीज कर देगा 24 घंटे के अंदर उसे एक बहुत ही अच्छी खबर सुनने को मिलेगी, पैसों की बारिश हो जाएगी उस पे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।